कल के मेरे वक्तव्य में कुछ लोगों ने ये एहसास करने की कोशिश की कि जैसे कोई अमेज़न के प्रति मैंने कुछ नेगेटिव कहा। मैं समझता हूँ उसकी अगर मेरे पूरी बात की परिप्रेक्ष्य को देखें तो मेरा कहना यह है कि निवेश आए, लेकिन जो निवेश के कायदे कानून हैं उस कायदे कानून के अंतर्गत आए। और ये पूरी दुनिया में यही है, कोई भी निवेश कोई भी दुनिया में करता है तो उस देश के कायदे कानून के दायरे में होते हैं। आज हमारे देश में ई कॉमर्स के कुछ कायदे कानून हैं, उस कायदे कानून के दायरे में जो भी निवेश आए उसका स्वागत है, लेकिन उस निवेश के वजह से कोई भारत के जो छोटे व्यापारी हैं, जो खुदरा व्यापार करते हैं, उनको एक अनफेयर कंपटीशन क्रिएट हो जाए। आखिर वो लोग खून पसीना एक करके देश के कोने कोने में अपना रोजगार करते हैं, अपना दिनचर्या, उनके बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको तो जीरो इंटरेस्ट पे जीरो ब्याज पे पैसा नहीं मिलता है, उनके पास तो लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, तो अपने छोटे पूंजी से वो अपना व्यापार करते हैं, उनको ठेस पहुंचे और कानून बताता है कि ठेस ना पहुंचे उसके लिए क्या मापदंड है, तो मापदंड के दायरे में निवेश आए, इतना मेरा और सरकार का कहना है।